मंत्री जी को और स्टेट मंत्री हमारे दानवे साहब की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। ऑनरेबल मेंबर श्री अनिल फिरोजिया जी। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे महत्वपूर्ण रेल बजट में बोलने के लिए अवसर दिया। मैं इस बजट के समर्थन में अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने भारतीय रेलवे को और अधिक सुविधाजनक बनाते हुए इसे अत्याधुनिक बनाने का काम किया। माननीय सभापति जी, हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं रेल मंत्री जी ने नई तकनीक लेकर आए, जिससे चलते एक ट्रैक पर यदि दो ट्रेनें आमने सामने आती हैं, ऐसी स्थिति में तकनीकी अपने आप इंजन को कंट्रोल कर उसे रोक देगी और दुर्घटना से बचाएगी। माननीय सभापति जी, मेरे राज्य मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने के साथ ही उसे एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया है। वहाँ लगता ही नहीं है कि ये रेलवे स्टेशन, ऐसा लगता है जैसे हम एयरपोर्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए हों, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशनों में एक है। आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेल यात्रियों को पूर्व में बंद बेड रोल सुविधा को दोबारा से चालू करने का आदेश दिया, उसका मैं आभारी हूँ एवं मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्द ये सुविधा लोगों को प्राप्त हो जाए। अनिल जी, एक सेकंड। ऑनरेबल मेंबर्स, इफ द हाउस एग्रीज देन द टाइम ऑफ द हाउस मे बी एक्सटेंडेड अप टू 11 PM। ओके, एक घंटे। ऑलरेडी वी आर डन। एवं साथ ही उज्जैन में 12 करोड़ की लागत से हवाई अड्डा स्तरीय सुविधा की तरह नवीन एयरपोर्ट की तर्ज पे हमको नवीन भवन की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने दी है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। और उज्जैन इंदौर रेल पत्र के दोहरीकरण के लिए भी आपने बजट में 100 करोड़ का प्रावधान रखा है, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में महितपुर रोड, विक्रम नगर, आलोट, तराना रेलवे स्टेशन पर COVID-19 के पूर्व जो ट्रेनें रुकती थी उनके स्टॉपेज COVID-19 के कारण समाप्त कर दिए हैं। उन यात्रियों को गाड़ी को पुनः इन सभी स्टेशनों पर रोकने की अनुमति प्रदान करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। माननीय सभापति जी, 16 सितंबर 2019 को रतलाम मंडल की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता तात्कालिक केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत ने सर्वानुमति से निर्णय लिया था कि चित्तौड़ के बीच में वीर भूमि एक्सप्रेस के पुराने समय चक्र पर एक नई मेमो ट्रेन चलाई जाएगी, जो अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है। क्षेत्र की जनता को अत्यधिक असुविधा हो रही है। इस संदर्भ में मैं आपसे माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वह जल्दी से जल्दी इस ट्रेन को प्रारंभ करने की कृपा करें। माननीय सभापति जी, COVID-19 के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम डिवीजन में सवारी की गाड़ी मेल एक्सप्रेस बंद कर दी गई थी, ये गाड़ी अभी तक प्रारंभ नहीं की गई, इन्हें तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय सभापति जी, 12415/16 नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी का प्रसिद्ध जैन तीर्थ महावीर जी में स्टॉपेज समाप्त कर दिया गया है। सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि ये स्टॉपेज को दोबारा से ट्रेन के रोकने के लिए निर्देश दिए जाए, ताकि लोगों को अपने तीर्थ में जाने में सुविधा हो। माननीय सभापति जी, इंदौर उज्जैन के बीच एक दिन के 2 फेरे मेमो ट्रेन चलाई जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा
कि इसके फेरे बढ़ा देंगे तो जनता को और सुविधा होगी। सर एक मिनट। यस। कोविड 19 की समस्या के पूर्व जिन यात्रियों की गाड़ी MST यात्रियों को पुनः यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा। कोविड 19 के कारण सीनियर सिटीजन रेल यात्रियों को किराए में जो छूट दी जा रही थी वो बंद कर दी गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उसे जल्द से जल्द पुनः चालू किया जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की तरह यात्रा सुविधा मिल सके। माननीय सभापति जी, 19 के कारण पूर्व में चल रही बहुत सी ट्रेनें सामान्य टिकट बंद कर दिए गए हैं। उन सामान्य टिकटों को पूर्व की तरह सभी गाड़ियों का सामान्य टिकट देने का अनुरोध करता हूं कि उन्हें जल्दी से जल्दी सामान्य टिकटों को प्रारंभ किया जाए जिससे लोगों को सुविधाएं मिले। मेरे लोकसभा क्षेत्र में उज्जैन झालावाड़ रेलवे स्टेशन की मांग, उज्जैन झालावाड़ रेलवे की लाइन की मांग सालों पुरानी है। माननीय सभापति जी, इसमें पहले भी 3 बार सर्वे हो चुके हैं और माननीय मंत्री जी से भी मैंने अनुरोध करा था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने बोला इसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 1975 में मीसा जब लगा था इस देश में, जब ये लाइन उखाड़ दी गई जिसके कारण उज्जैन से लेकर झालावाड़ तक का बिल्कुल विकास अवरुद्ध हो गया। वहाँ पे बिल्कुल कोई विकास नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ के युवा भी बेरोजगार घूम रहे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी कृपा हो जाएगी तो ये झालावाड़ रेलवे, उज्जैन झालावाड़ रेल चालू होने के कारण हम सीधे दिल्ली से जुड़ेंगे। इससे मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसको भी कृपया कर खत्म करें, करने की कृपा कर। एक मिनट सर, मेरे लोकसभा क्षेत्र में छोटे गांव के किसान विद्यार्थी के लिए इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन करना अति आवश्यक है। इसको भी कृपा कर आप प्रारंभ करेंगे। माननीय सभापति जी एक मिनट बोल लूँगा बस, कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय हमारे कूल शांत दिखने वाले रेल मंत्री जी जो बहुत ही स्पीड से काम कर रहे हैं, जो बुलेट की स्पीड से काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे को सौगाते भी बहुत दी, जैसे हमारे को महाकाल एक्सप्रेस जो प्रारंभ करी उसके लिए मैं आपका दिल से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे यहाँ जो लाइन उखड़ गई थी मीटर गेज, उसको आपने ब्रॉड गेज करके हमको मेमो चलाई, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से प्रधानमंत्री जी और आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा तो इतना सौभाग्य है कि आपसे मैंने निवेदन करा था कि महाकाल एक्सप्रेस का ओपनिंग करने आप आए, लेकिन आपने मुझे इतनी बड़ी सौगात दी कि माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी और आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय सभापति जी, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वजन के हिसाब से माननीय मंत्री जी से मांग रहा हूँ तो मुझे उज्जैन झालावाड़ क्योंकि वजन के हिसाब से ही मांगी गई है, तो आप कृपा करेंगे बहुत बहुत। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर प्रिंस।